सुहानी आर्यना को वहां पर देखकर इतना हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि आर्यना यहीं पर काम करती है। यहां तक कि आर्यना उनकी और सम्राट की ईस्ट विले में सस्ते में घर लेने में मदद की थी। सुहानी इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थी कि आर्यना रवि के सामने इस तरह बात क्यों कर रही थी और वह रवि को सर कहकर क्यों बोल रही थी। साथ ही साथ में वो उसके साथ कॉफी पीने का ऑफर भी कर रही थी। क्या आर्यना सच में पागल हो गई थी? आखिर वह एक फटीचर के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी? सुहानी को वहां पर देखकर आर्यना भी हैरान थी, पर वह कुछ भी नहीं बोल सकी क्योंकि उसके सामने रवि खड़ा था। रवि की परमिशन के बिना भला वो क्या ही बोल सकती थी? आर्यना, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस फटीचर के साथ में कॉफी पीना चाहती हो? क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है? सुहानी ने आर्यना से कहा। उसने आर्यना से यह उम्मीद नहीं की थी। सुहानी की बात सुनकर आर्यना थोड़ी देर तक चुप रही। उसने भी पहले रवि को फटीचर समझकर अंडरस्टिमेट किया था और अब वही गलती उसकी दोस्त सुहानी भी कर रही थी। आर्यना सुहानी को रवि के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वह चुप ही रही। वह अपने मन ही मन सोच रही थी कि सुहानी की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि रवि ने 22 करोड़ का बंगला खरीदा था। आर्यना, तुम्हें पता भी है कि यह लड़का कौन है? यह मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज का सबसे फटीचर लड़का है। उसके पास तो अपनी कॉलेज की फीस देने के भी पैसे नहीं है। देखो, आज इस जिला में चोरी करने के लिए आया है। इसको पुलिस के हवाले करने की बजाय तुम उसके साथ कॉफी पीना चाहती हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सुहानी ने आर्यना से कहा। अब आर्यना ने देखा कि रवि की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो रही थी। अगर रवि को सुहानी की इन बातों पर गुस्सा आ गया तो रवि उसके साथ कॉफी पर चलने के लिए नहीं मानेगा। आर्यना कुछ बोलते ही जा रही थी कि इतने में रवि ने उसे बीच में ही टोक दिया। जरूर आर्यना, चलो कॉफी पीने के लिए चलते हैं, रवि ने कहा। हालांकि रवि का आर्यना के साथ कॉफी पीने का कोई मन नहीं था। वो भला आर्यना जैसी लड़की के साथ कॉफी क्यों नहीं पीना चाहेगा जिसने उसके साथ इतनी बदतमीजी की थी। पर इस वक्त वो जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहता था। वह सुहानी, सम्राट और अपने बाकी दोस्तों के किसी भी सवालों का सामना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसे लगा कि यहां से निकलने का एकमात्र जरिया आर्यना के साथ कॉफी पीने का बहाना हो सकता था। इसीलिए उसने आर्यना के साथ कॉफी पर चलने के लिए हां कह दी। आर्यना रवि की ये बात सुन हैरान रह जाती है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि कॉफी के लिए मान गया था। उसे ऐसा लगा कि रवि उसे मना कर देगा क्योंकि उसने रवि के साथ बहुत ही घटिया व्यवहार किया था। पर इस बात से सुहानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आर्यना, तुम इस पर फटी टीचर के साथ कॉफी पीने के लिए इतना खुश क्यों हो रही हो? इसके साथ के साथ तो मैं बैठना भी पसंद ना करूं। सच में यार, तुम्हारा टेस्ट इतना घटिया है, मैंने सोचा नहीं था, सुहानी ने कहा। बस बहुत हुआ, आर्यना ने कहा। तुम लोगों को मिस्टर रवि के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बका करो। तुम्हें मिस्टर रवि के ईस्ट विला में आने का कारण जानना है ना, तुम्हें बताती हूं। आज मिस्टर रवि नहीं, यहां पर 22। आर्यना अपनी बात खत्म करते इससे पहले ही रवि ने उसका हाथ पकड़ दिया। चलो आर्यना, क्या तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने के लिए नहीं चलना? अगर नहीं चलना है तो ना कह दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा साथ कॉफी पीने का, रवि ने बड़े एटीट्यूड के साथ आर्यना से कहा। रवि की यह बात सुनकर आर्यना थोड़ी डर जाती है। उसे लगा कि रवि कहीं सच में उस कॉफी के लिए मनाना न कर दे, इसीलिए वह तुरंत रवि के साथ कॉफी शॉप की तरफ चल पड़ी। सुहानी दोनों को वहां से जाते हुए देखकर गुस्सा होने लगी। उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर आर्यना रवि के साथ कॉफी क्यों पीने जा रही थी। श्रेया भी बड़ी हैरानी के साथ रवि को देख रही थी, उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि किसी और लड़की के साथ था। पता नहीं पर क्यों उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि रवि किसी लड़की के साथ कॉफी डेट पर गया है। रवि आर्यना को लेकर सामने वाली कॉफी शॉप पर आ गया था, पर उसकी नजर अभी भी विला के मेन गेट पर थी। वह लगातार ही देखे जा रहा था कि उसके दोस्त वहां से गए हैं या नहीं। वह तब तक आर्यना के साथ रहना चाहता था
जब तक कि सुहानी और बाकी सभी वहां से ना चले जाए। उसे आर्यना के साथ कॉफी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आर्यना को भी यह समझने में देर नहीं लगी, पर वह इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी ताकि रवि के साथ दोस्ती कर सके। जैसे ही सुहानी और बाकी सभी दोस्त ईस्ट विले के गेट से बाहर आते हैं और कॉफी शॉप के आगे से गुजरने लगते हैं, तभी आर्यना कसकर रवि को गले लगा लेती है। जब सुहानी यह नजारा देखती है तो उसका तो खून खोलने लगता है। आखिर रवि जैसे फटीचर ने उसकी कितनी खूबसूरत दोस्त को कैसे पटा सकता था। उसका गुस्सा होना जायज था, पर इससे भी ज्यादा गुस्सा तो इस वक्त श्रेया को आ रहा था। वह सच में जाकर आर्यना का मुंह तोड़ देना चाहती थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उस आर्यना की बच्ची की हिम्मत कैसे हुई रवि को इस तरह छूने की। उसे अपने दिल में बहुत ही ज्यादा बेचैनी फील हो रही थी। रवि के किसी और लड़की के साथ होने से उसे इतनी जलन क्यों हो रही थी, यह तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए। सभी लिसनर्स ध्यान से सुनो, इस कहानी के राइटर की तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से कुछ दिनों तक एपिसोड नहीं आ पाएंगे। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए और हमें आगे के चैप्टर्स दे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आर्यना रवि के गले लग गई थी, वो ये मौका भला कैसे जाने देती। रवि बहुत ज्यादा हैरान था, पर उसने आर्यना को रोका नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो अपने दोस्तों के सवालों से नहीं बच सकता था। इस वक्त वह आर्यना का सहारा लेकर ही यहां से निकल सकता था। आर्यना क्या ऐसा करने से सुहानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। श्रेया को भी आर्यना पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वह भी कुछ नहीं कर सकती। रवि के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान थे, खासकर अभिनव को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यना जैसी खूबसूरत लड़की रवि के साथ कॉफी पीना चाहती थी। उन सब ने रवि और आर्यना को उस कैफे के अंदर देखा, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वह उसके अंदर जा सके। इसीलिए सभी दोस्त वहां से सीधा अपने अपने घर चले गए। जब रवि ने देखा कि सब लोग वहां से जा चुके थे, तब उसने एक गहरी सांस ली। आखिरकार वह उन सब के चंगुल से बच ही गया। जब आर्यना ने देखा कि रवि के सारे दोस्त जा चुके हैं, तो वह जल्द से रवि से दूर हटी और फिर सीधी खड़ी हो गई। माफ कीजिए मिस्टर अग्रवाल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह तो बस आपके दोस्तों को आते हुए देखा तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं समझ गई थी कि आप क्या करना चाहते थे, आर्यना ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। इट्स ओके, रवि ने कहा और फिर वहां से जाने लगा। मिस्टर रवि, क्या आप सच में मेरे साथ कॉफी पीना नहीं चाहते, आर्यना ने निराशा से पूछा। इतने में तो आर्यना भी समझ गई थी कि रवि वहां से निकलने के बहाने इसके साथ कॉफी पीने के लिए मान गया था, पर उसे अभी भी उम्मीद थी कि रवि के साथ को कॉफी पी सकती है। नहीं, इस वक्त मेरा कॉफी पीने का कोई मूड नहीं है, मुझे बहुत ही ज्यादा काम है, फिर कभी अगर मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से वहां से निकल गया। आर्यना बस पीछे से देखती ही रह गई, वह सच में रवि से दोस्ती करना चाहती थी। भला इतने अमीर आदमी के साथ दोस्ती कौन नहीं करना चाहेगा, और उसकी खराब बिहेवियर की वजह से रवि उससे सच में नाराज हो गया था। अगले दिन सुबह, आज वीकेंड का दिन था, रवि को पता था कि संडे को यानी कल ही वह पार्टी होने वाली थी जिसके लिए वह बेंगलुरु आया था। हालांकि रवि उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ना ही उसने अपने लिए उस तरह के कपड़े मांगे थे जो उसे पार्टी में एक रिच लुक दे सके। रवि ने हालांकि उसके बारे में अभी तक कुछ सोचा भी नहीं था, पर रवि को पता था कि वह इस तरह के कपड़ों में नहीं जा सकता था। उसे हालांकि कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, पर उसे पता था कि अगर वो इस तरह के नॉर्मल कपड़े पहन कर गया तो अग्रवाल परिवार के लिए सही नहीं होगा, उसे कम से कम उस पार्टी के लिए क्लासिक कपड़े पहने पड़ेंगे। रवि के पास ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिससे वह एक बहुत ही अमीर घर का लड़का देख सके। उसे पता था कि कल के दिन ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अग्रवाल परिवार का अगला वारिस होने वाला है, तो पूरी दुनिया के सामने फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा बनता ही है। रवि ने यह सोच और फिर मुस्कुरा दिया। रवि ने सोचा कि आज से उन सभी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए जो कल पार्टी में काम आने वाली थी। हालांकि वह अपने लिए सारा सामान ऑर्डर कर सकता था, पर वह खुद अपनी पसंद के हिसाब से सब कुछ खरीदना चाहता था। आज वीकेंड था
इसीलिए हर जगह भीड़ ही रहने वाली थी। पर रवि को कुछ भी नहीं पता था कि उसके लिए रिच और सबसे महंगे कपड़े कहां पर मिलने वाले थे, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह का शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं किया था। कुछ देर सर्च करने के बाद रवि को पता चला कि बेंगलुरु का सबसे लग्जरियस मॉल यूबी सिटी मॉल था। वहां पर हर तरह की ब्रांडेड चीज मिलती थी। कहा जाए तो वह बेंगलुरु के सबसे रिच और अमीर लोगों का मॉल था, जहां उसके लिए हर वो चीज मिल सकती थी जो कल की पार्टी के लिए जरूरी थी। रवि के पास बंगलौर में अपनी कोई कार नहीं थी, उसने एक ऑटो पकड़ना सही समझा। पर रवि उस समय हैरान रह गया जब कोई भी ऑटो वाला यूबी सिटी मॉल के लिए चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी ऑटो वाला वहां पर क्यों नहीं जा रहा था। इसीलिए रवि यूबी सिटी मॉल से थोड़ा पास तक टैक्सी से आ गया और फिर पैदल सिटी मॉल के लिए चल पड़ा। जब रवि यूबी सिटी मॉल पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतना बड़ा और इतना लग्जरियस मॉल नहीं देखा था। उसे तो यह तक नहीं पता था कि बेंगलुरु में इतनी लग्जरी जगह भी थी। वहां की पार्किंग में एक से बढ़कर एक महंगी कार पार्क की हुई थी। उसके बारे में रवि ने तो सुना भी नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसे अब लगने लगा कि अमीरों की जिंदगी ऐसे जी जाती है जो उसने अभी तक महसूस ही नहीं की थी। हालांकि रवि भी अब कुछ ही दिनों में इस तरह की लग्जरी बाइक इंजॉय करने वाला था। रवि यूबी सिटी मॉल के अंदर पहुंच गया। रवि ने देखा कि वीकेंड होने के बावजूद भी वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। रवि मॉल में किसी नीचे दर्जे का कर्मचारी लग रहा था। वहां के कर्मचारी भी रवि से अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रवि के पास उसका लिमिटलेस कार्ड था। उसके पास उस कार्ड में इतने पैसे थे कि वो उस पूरे मॉल को खरीद सकता था। ये सोचकर रवि मुस्कुरा दिया। वो ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया की नजरें कल उस पर होगी। रवि की नजरें इस वक्त एक अच्छे कपड़े की शॉप की खोज में थीं। क्या होगा इस मॉल में अब?